हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनपुट के बारे में जानेंगे। इनपुट एक टैग है जो कि यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करता है। अगर आप फेसबुक के यूज़र हो, ट्विटर के यूज़र हो या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़र हो तो आपको पता होगा, जब आप साइन इन या फिर लॉगिन करते हो तब वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के लिए बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है, और वहाँ से ही आपको लॉगिन या फिर साइन इन करना पड़ता है, तो उसको इनपुट बॉक्स कहते हैं। तो आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट टैग डाल रहा हूँ, और यहाँ पे पहले आपको दो एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, टाइप और नेम। यहाँ पे टाइप में आपको लिखना है कि क्या आप इनपुट लेना चाहते हो, टेक्स्ट, पासवर्ड या दूसरा कुछ। तो नॉर्मली टेक्स्ट और पासवर्ड ही आपका जो है इनपुट लिया जाता है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट का। और यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्स का नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूज़र नेम। इसको सिंपल सा सेव करते हैं और ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तब देख सकते हो एक बॉक्स आ गया है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट है क्योंकि मैंने इसे टाइप टेक्स्ट दिया था। इसके बाद पासवर्ड के लिए भी सेम हम इनपुट फाइल बना देते हैं, और यहाँ पे टाइप में आपको लिखना है पासवर्ड, तो ये पासवर्ड को इनपुट करेगा। और यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ पासवर्ड, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और बॉक्स आ गया है, जहाँ पे आपको कुछ बुलेट्स जैसा दिख रहा है, तो ये पासवर्ड है। नॉर्मली आप जब पासवर्ड टाइप करते हो वो सिक्योरिटी के लिए बुलेट जैसा बनाया जाता है। आइए चलिए इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पी टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम कॉलन, और नीचे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और इन दोनों बॉक्स के बीच में मैं ब्रेक टैग लगाऊंगा। अब इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा एक लॉगिन फॉर्म के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम मैं डाल रहा हूँ रूट, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ कुछ भी। तो आपको ये पूरा लॉगिन फॉर्म जैसा ही दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है HTML में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।